हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। आज मैं आपको एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाने वाली हूँ और अब हम सीधे अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये घटना है नवंबर 1970, जब एक महिला जिसका नाम आइरीन था और वो लीगली ब्लाइंड थी, उसने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस में कदम रखा। ये ऑफिस लॉस एंजलिस ऑफिस कैलिफोर्निया में स्थित था। हालांकि उसे इस ऑफिस में ना जाकर रिसोर्सेस ऑफिस फॉर द ब्लाइंड में जाना था। वो यहाँ गलती से आ गई थी और वहाँ जितने भी ऑफिस में लोग थे वो इस महिला को देखकर बिल्कुल चौंक गए। इस महिला के साथ करीब 6-7 साल की उम्र की एक बच्ची भी थी। ये बच्ची बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी। कहीं ना कहीं ये बच्ची थोड़ा सा फुदक कर रैबिट की तरह चल रही थी। इसके अलावा वो थूक रही थी, उसकी लार बह रही थी। कहीं ना कहीं वो अपने गले से गुर्राने की ग्रंटिंग जैसी आवाज़ें निकाल रही थी और उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब सा था। उसको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कोई परवाह है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह की हरकतें कर रही है। वो बिल्कुल फ्री थी और इस तरह की हरकतें करती जा रही थी। ऑब्वियसली वहां के लोगों को लगने लगा था कि शायद ये लड़की मेंटली इल है और उसको दिमागी रूप से कोई परेशानी है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी जो इस लड़की को अजीब बनाती थी। इस लड़की का नाम था जीनी वॉयली, जो कि एक सीडोनिम है, यानी कि इसका असली नाम नहीं है। इसकी पहचान छुपाने के लिए पुलिस ने इसको ये नाम दिया है। ये लड़की इतनी छोटी नहीं थी जितनी ये नजर आ रही थी। ये 6-7 साल की नहीं थी बल्कि ये 14 साल की थी। लेकिन ना सिर्फ ये अपनी फिजिकल अपियरेंस से बल्कि अपने मैनरिज्म से भी 6-7 साल की नजर आ रही थी। और इसकी माँ थी जो आयरीन, जिसका नाम था, जो कि ब्लाइंड थी। ये अभी अभी अपने पति, जिसका नाम था क्लार्क, क्लार्क वाइली, उससे अलग हुई थी और अपनी बेटी को लेकर उसके घर से निकल गई थी। ये जो क्लार्क वाइली था, ये आयरीन से करीब 20 साल बड़ा था और एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान था, एक बहुत ही गंदा कमीना इंसान था, जो कि आगे जिन भी लोगों ने इस क्लार्क के साथ काम किया उन्होंने बताया कि हमने इसके जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। रिसर्चर्स को बाद में पता चला कि जीनी वाइली की ऐसी कंडीशन बाय बर्थ नहीं थी, ना ही पैदा होने के बाद किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी ऐसी कंडीशन हुई, बल्कि पैदा होने के तुरंत बाद से लेकर अभी तक, यानी कि जब तक वो रिसर्चर्स को मिली थी तब तक उसको लगातार अब्यूज और लगातार टॉर्चर उसके पिता के द्वारा किया जाता रहा था। इस कारण उसकी इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हो चुकी थी। इस घटना के, यानी कि जब आयरीन उसको लेकर ऑफिस में पहुंच गई थी, और चांस की बात देखिए कि वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस में ही पहुंच गई जहां पर बच्चों को बचाने के लिए, उनको इस तरह की हरकतों से बचाने के लिए काम होता है, तो तुरंत ही चाइल्ड वेलफेयर ने इस बच्ची को अपने अंडर में ले लिया और अब इस बच्ची पर मेहनत की जाने लगी। बहुत सारे सेक्रेटरीज, बहुत सारे रिसर्चर्स, इसके अलावा बहुत सारे लोग, सोशल वर्कर्स उसकी मदद के लिए आगे आए। उस पर काम करते हुए इन रिसर्चर्स को पता चला कि उसको बहुत ही कम शब्द पता थे, उसे बहुत ही कम शब्द आते थे, उनको वो यूज़ भी ठीक से नहीं कर पाती थी। इनमें से कुछ शब्द थे ब्लू या गो और इसके अलावा मदर। इन शब्दों को ही बड़ी मुश्किल से कभी कभी वो यूज़ कर पाती थी। कोई भी पेरेंट ये क्यों चाहेगा कि उसके बच्चे की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जितनी की जीनी की थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो क्लार्क था, यानी कि जीनी का फादर था, वो ज़्यादातर टाइम्स जीनी को बांध कर रखता था। वो अपनी अभी तक की जिंदगी में ज़्यादातर चेन से बंद कर रही थी और ये चेन से उसको बांधा जाता था एक चिल्ड्रन की पॉटी पर, यानी जो बच्चे जिस चेयर पर बैठकर पॉटी करते हैं उस पॉटी चेयर से उसको लगातार चेनों से बांध कर रखा जाता रहा था। इसके अलावा जब वो अपने बेड पर लेटती थी सोने के लिए, तब उसको अपने बेड पर भी चेनों से बांध कर रखा जाता था। जब वो अपने पालने पर होती थी तो ऊपर से मैश का, लोहे का कवर लगा दिया जाता था ताकि वो ना तो खड़ी हो पाए और ना ही अपने हाथ पैर ठीक से फैला सके। पता नहीं उसका पिता ऐसा क्यों करता था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो जीनी थी उसको सिर्फ या तो उसका पिता खाना खिलाता था या फिर उसका भाई खाना खिलाता था। आयरीन को उसको खाना खिलाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उसकी आई साइट उस समय तक काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आयरीन को बहुत जल्दी जल्दी फीड किया जाता था और अगर वो खाना उसके गले में फंस गया या वो किसी भी प्रकार की कंप्लेंट करती थी तो या तो उसका पिता उसके ऊपर ही खाना फेंक देता था या फिर उसके चेहरे पर उस खाने को मल दिया जाता था। इस तरह की हरकतें उसका पिता उसके साथ कर रहा था। ये जानकर उसकी माँ कभी कभी रात को उसको चुपचाप खाना खिलाया करती थी अपने पति से बचकर। सबसे बुरी बात तो यह है कि जीनी कभी भी बातचीत नहीं करती थी क्योंकि उसके पिता को बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं था। उसका घर बिल्कुल साइलेंट रहता था, कोई भी आपस में बात नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके पति ने, यानी कि क्लार्क ने, अपनी बीवी आइरीन और अपने बेटे को भी आपस में बात करने के लिए मना किया हुआ था क्योंकि उसे बातचीत करना या शोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
पता नहीं क्यों, लेकिन स्पेशली उसने जीनी से बात करने के लिए तो बिल्कुल भी मना किया हुआ था, और अगर वो आपस में कोई बातचीत करते भी थे तो भी वो जीनी से दूर करते थे, यानी कि उसके कमरे से दूर, ताकि वो कोई बात सुन भी ना सके। इसीलिए उसने मुश्किल से ही कुछ शब्द सुने थे, इसलिए वो सिर्फ उन्हीं शब्दों को बोल पाती थी और बाकी उसको बिल्कुल भी बातचीत करना नहीं आया। क्लार्क रेगुलरली अपनी वाइफ को और अपने बेटे को पीटा करता था, स्पेशली अगर वो जीनी से बात कर रहे हो। उन्हें बिल्कुल भी इंटरेक्शन करने की इजाज़त नहीं थी। बातचीत तो खैर वो क्या ही करते थे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा घुले मिले तब भी वो पिटाई करता था। क्लार्क एक डायरी लिखता था जिसमें वो सारी चीज़ें लिखता था कि किस तरह से उसने अपने जो फैमिली है उसको कंट्रोल में किया हुआ है। जीनी के भाई को सिर्फ स्कूल जाने की परमिशन थी, इसके अलावा उन लोगों को घर छोड़ने की परमिशन नहीं थी, कि जब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो वो घर से बाहर नहीं जा सकते थे। जब वो स्कूल से वापस आया करता था तो उसे अपने घर में आने से पहले अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती थी। इसके अलावा जो उसके पेरेंट्स थे, स्पेशली उसका पिता, वो उसको मना करता था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वो बाहर बातचीत ना करे, अपने स्कूल में कुछ भी ना बताए। इसके लिए वो उसको मारा पीटा करता था, मैनिपुलेट किया करता था ताकि वो बाहर अपनी जुबान ना खोले। बचपन में तो जीनी के भाई को उससे सहानुभूति थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो भी अब जीनी के प्रति वायलेंट होता गया। वो अपने पिता के ऑर्डर्स पर उसे थ्रेटन किया करता था कि मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगा, या फिर उससे खाना छीन लिया करता था, और साथ ही उसको पीटा भी करता था। ज़्यादातर पड़ोसियों को ये पता ही नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये मानते थे कि इनका एक ही बच्चा है और वो है एक बेटा, क्योंकि ये फैमिली ज़्यादा बाहर नहीं आती थी, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि बिहाइंड द डोर्स अंदर क्या चल रहा है। जीनी की माँ ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने पति को छोड़ देगी। उस समय जो जीनी थी वो करीब 13 साल की थी, और उसका जो भाई था वो 18 साल से ऊपर का हो चुका था और घर से भाग गया था। जीनी की माँ जीनी को लेकर सीधे अपने पेरेंट्स के घर पहुंची। उस समय तक आइरीन लगभग अंधी हो चुकी थी, और तब उसने डिसाइड किया था कि जो बेनिफिट्स मिलते हैं ब्लाइंड को अब मैं उसको अवेल करूंगी। और इसीलिए जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो ब्लाइंड पर्सन के बेनिफिट वाले ऑफिस में जाना था, लेकिन वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस में पहुंच गई, और वहां पर क्योंकि लोगों ने जीनी को देखा इसलिए उन्हें रेस्क्यू किया और उसकी कंडीशन वो लोग समझ गए थे। जब जीनी की माँ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो जीनी है उसको 2 साल के बाद कभी भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। डॉक्टर्स ने पाया कि जीनी का वजन सिर्फ करीब 20 किलो है, और इसके अलावा उसकी हाइट सिर्फ 4 फीट है, और उसकी स्किन बहुत ज़्यादा पीली पड़ चुकी थी क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिली थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार दिखती थी। ये भी पाया गया कि जीनी को चबाने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि कभी भी उसको कोई सॉलिड फूड नहीं दिया गया, उसको हमेशा लिक्विड फूड या फिर बेबी फूड ही अभी तक दिया जाता रहा था, जबकि वो करीब 14 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसको चबाना ही नहीं आता था। और क्योंकि उसने चबाया ही नहीं, इसलिए उसके जो बेबी टीथ थे, जो दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं, वो गिरे ही नहीं थे, और नए दांत आए ही नहीं, क्योंकि जब वो चबाती नहीं थी, अपने दांतों को यूज़ ही नहीं करती थी, तो उसके दांत भी कहाँ से गिरते। जीनी का इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। जब वो अपनी माँ को और अपने भाई को देखती थी, जिनके साथ वो थोड़ी फैमिलियर थी, उनको देखकर भी वो बिल्कुल भी इमोशनली रिएक्ट नहीं करती थी और न्यूट्रली रहती थी। इसके अलावा वो कुत्ते की आवाज़ से या बिल्ली की आवाज़ से, उनके साउंड से बहुत ज़्यादा घबराती थी, क्योंकि उसके पिता इसी तरह की आवाज़ें उसको डराने के लिए निकाला करते थे। उससे बातचीत तो करते नहीं थे, वो जंगली जानवरों की तरह उसके सामने गुर्राया करते थे। अगर जीनी कभी भी रोती थी या किसी भी चीज़ की जिद करती थी, जैसा कि जनरली बच्चे करते ही हैं, और स्पेशली जब वो काफ़ी छोटी थी तब वो ऐसा करती थी, तब क्लार्क उसकी तरफ देखकर गुर्राता था जैसे कि वो एक जंगली जानवर हो। वो जंगली जानवरों जैसा बिहेव अपनी बेटी के साथ, जीनी के साथ करता था। इसके अलावा जब जीनी काफ़ी छोटी थी, तो छोटे बच्चे अगर भूखे होते हैं तो वो हमेशा रो कर ये दिखाते हैं अपने माँ बाप को कि हम भूखे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है अपने माँ बाप से कम्युनिकेट करने का, वो बोलना तो जानते नहीं हैं। तो जब भी क्लार्क ये देखता था कि ये रो रही है, जब वो काफ़ी छोटी थी 1-2 साल की, तब वो उसे काफ़ी ज़्यादा डराता था अलग अलग तरीक़ों से, और जानवरों की तरह उसके ऊपर गुर्राता भी था। उसने एक तरह से जीनी को ट्रेन किया हुआ था कि जीनी उससे बहुत ज़्यादा डरे। उसने ये डर की भावना इसके अंदर बहुत ज़्यादा भर दी थी। वो ये नहीं सिखा रहा था कि वो उसकी इज्जत करे, उसकी रेस्पेक्ट करे, वो सिर्फ उसे डरा रहा था, जिससे कि जीनी उससे काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहे, क्योंकि शायद वो बहुत बुरी तरह से जीनी से नफरत करता था। क्लार्क चाहता ही नहीं था कि उसका कोई भी बच्चा पैदा हो, वो बिल्कुल बच्चों को पसंद नहीं करता था। लेकिन जब उसकी वाइफ आइरीन प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी के बाद ऑब्वियसली जीनी इनकी ज़िंदगी में आ गई ना चाहते हुए भी, और अब वो जीनी को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था कि जैसे वो इस दुनिया में आने के लिए खुद ही जिम्मेदार हो और ये सारी गलतियाँ उसकी हों। जीनी ने ऐसे ऐसे टॉर्चर सहे थे जिसको शायद जो नॉर्मल व्यक्ति है वो कुछ महीने भी नहीं झेल सकता,
लेकिन वो इस व्यक्ति के टॉर्चर करीब करीब 14 साल से झेल रही थी। और आप ये मत सोचिए कि जो ये जीनी थी यही इनकी इकलौती बेटी थी, इससे पहले उनके 3 और बच्चे हो चुके थे, लेकिन उनकी जो फेट थी, जो उनके भाग्य थे, वो थोड़े से डिफरेंट थे जीनी से, लेकिन उनकी स्टोरीज भी काफ़ी ट्रेजिक हैं। सबसे पहले आइरीन और उसके पति क्लार्क का एक बच्चा हुआ जो कि एक बेटी थी, लेकिन वो अपनी इन्फेंसी में ही मारी गई क्योंकि एक दिन क्लार्क ने उसको अपने फ्रीजिंग कोल्ड गैराज में छोड़ दिया मरने के लिए, और एट लास्ट वहाँ पर ठंड से उस बच्ची की मौत हो गई। और मुझे पूरा यकीन है कि क्लार्क को उसकी मौत की खबर सुनकर या उसको मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि अब उसको बच्चे की रोने की आवाज़ें सहन नहीं करनी पड़ेंगी। क्लार्क को नॉइस से यानी कि शोर से बहुत ज़्यादा नफरत थी। कहीं से भी शोर की आवाज़ आ रही हो, उसका कोई भी रीज़न हो, और उस शोर को कोई भी पैदा कर रहा हो, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी, वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करता था, और अगर वो स्टॉप नहीं हो रही है तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इन दोनों का दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो वो भी एक बेटी थी, लेकिन जन्म के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई, और हम कह सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा लकी थी जो कि उसकी मौत तभी हो गई और उसको बाद में इन दोनों के साथ नहीं रहना पड़ा और इस तरह के टॉर्चर नहीं सहने पड़े। और ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा कहना पड़ रहा है कि अच्छा हुआ बर्थ के दौरान ही उसकी मौत हो गई। फिर इन दोनों का एक तीसरा बच्चा हुआ, ये एक लड़का था और इसका नाम इन्होंने रखा जॉन। जॉन चमत्कारिक रूप से सरवाइव कर गया और जैसे तैसे करके उसने अपना बचपन भी बिता लिया, लेकिन उसको भी अपने पिता के द्वारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर होना पड़ा। जो जॉन था उसका फादर उसको रिपीटेडली पिटाई किया करता था, उसे बुरी तरह से मारा करता था। इसके अलावा उसने अपने पिता के द्वारा अपनी छोटी बहन जिसकी हमने शुरू में बात की, जीनी वाइली, उसको टॉर्चर होते हुए भी देखा था। और इन सारी टॉर्चर की यादें उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी उसको हॉन्ट करती रही, परेशान करती रही। जीनी को उसका पिता उसके कमरे में लॉक कर दिया करता था जैसे कि वो कोई जेल हो और वो जेल में उसे बंद कर रहा हो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल के कैदी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलता है जीनी की अपेक्षा। जॉन सारी ज़िंदगी अपने आप को ब्लेम करता रहा कि शायद इन सारी चीज़ों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, वो अपनी बहन को भी नहीं बचा पा रहा है, और फाइनली बड़े होके वो एक क्रिमिनल बना। फिर उसकी शादी हुई और उसकी खुद की बेटी पैदा हुई, लेकिन जॉन का जो परिवार था वो बाद में बिखर गया क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मेंटल कंडीशन बुरी थी, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं था। बाद में जॉन की डॉटर जिसका नाम था पैमेला, वो उसको भी नहीं संभाल पाया और जो पैमेला थी वो ड्रग्स लेने लगी। बाद में उसकी बेटी पैमेला की भी 2 बच्चियां हुई, लेकिन पैमेला भी एक नॉर्मल माँ नहीं बन पाई। उसके ऊपर चाइल्ड एंडेंजरमेंट के चार्जेस लगाए गए, यानी कि अपने बच्चों को खतरे में डालने के चार्जेस लगाए गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया करती थी। जॉन की मौत 2011 में हो गई, उसको कुछ डायबिटीज़ के कारण कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, इस कारण उसकी मौत हुई। और इसके बाद उसकी बेटी पैमेला की डेथ भी मुश्किल से 1 साल बाद ही हो गई। इस तरह से जो इसकी ज़िंदगी थी, जो जॉन का जीवन था, वो इस तरह से बेकार गुजरा क्योंकि कहीं ना कहीं उसका चाइल्डहुड अच्छा नहीं गुजरा था, और इसका इम्पैक्ट जॉन के भी पूरे परिवार पर पड़ा। वाइली को स्टेट के अंडर में लेने के बाद, यानी कि उसकी कस्टडी उसके माँ बाप से छीनने के बाद, जो पुलिस थी वो जॉन को लेने के लिए, उसको क्वेश्चन करने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही उसने एक गन से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने लिखा था उसमें उसने लिखा था कि दुनिया मुझे कभी भी नहीं समझ पाएगी। इस बीच जो आइरीन थी वो अपनी बेटी के साथ फ्लैट कर गई थी, वहाँ से चली गई थी क्योंकि उसकी आई साइट लगातार ख़राब होती जा रही थी और वो करीब करीब अंधी होती जा रही थी। और इधर दूसरी तरफ जो क्लार्क था उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा इस बीच ख़राब हो गई थी। 1970 तक आते आते उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसकी माँ का यानी कि क्लार्क की माँ का एक्सीडेंट हो गया था, उसको एक नशे में धुत ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी और उसकी डेथ हो गई थी। इन सब कारणों के कारण वो अपनी बेटी, अपनी पत्नी के प्रति और भी ज़्यादा क्रूअल, और भी ज़्यादा अजीब सा खूंखार टाइप का इंसान बन चुका था। और इस बीच उसने जो जीनी वाइली थी उसके ऊपर अत्याचार करने और ज़्यादा शुरू कर दिए थे, लेकिन सही टाइम पर ही रिसर्चर्स को जीनी वाइली के बारे में पता चल गया और उन्होंने उसको वहाँ से निकाल लिया। फिर रिसर्चर्स ने जीनी के ऊपर काम करना शुरू किया, तब उन्हें पता चला
कि जो जीनी है उसकी लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है। वो जानना चाहते थे कि क्या हम इसको इंग्लिश सिखा पाएंगे, और वो ये भी जानना चाहते थे कि वो ये भाषा सीखने के बाद कितनी इफेक्टिवली उसको यूज़ कर पाएगी। जीनी की खबर सारे न्यूज़ चैनल्स पर चल रही थी और सभी ये जानने को इच्छुक थे कि क्या इसकी कंडीशन सुधारी जा सकती है। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल जंगली जानवर जैसा बन चुका है, जबकि वो इसी समाज में रहती थी, तो अब इतना ज़्यादा डैमेज होने के बाद क्या उसकी स्थिति सुधर सकती है, नहीं सुधर सकती। इसके अलावा जीनी जब भी स्ट्रेस में होती थी वो अपने कपड़ों पर ही पॉटी कर लिया करती थी, टॉयलेट कर दिया करती थी, उसको कोई भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। फिर एक प्रोफेसर सामने आई जो कि एक लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर थी UCLA की। इसका नाम था सूजन कर्टिस। सूजन और जीनी जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए, और इसके बाद जीनी में कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिले और उसकी कुछ प्रोग्रेस भी हुई। जीनी काफ़ी सारी चीज़ें अब बोलने लगी, उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था, और जो वो बोल नहीं पाती थी उसके लिए वो पिक्चर ड्रॉ किया करती थी। जीनी अब वर्ड्स तो यूज़ करने लगी थी, लेकिन वो ग्रामर यूज़ करने में अभी भी सक्षम नहीं थी। उसको पता नहीं था कि किस तरह से कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट बोला जाता है। वो सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने धीरे धीरे प्रॉपरली ड्रेसअप करना भी शुरू कर दिया। वो अब ठीक से कपड़े पहनने लगी थी। इसके अलावा अब वो ठीक से खाने लगी थी, खाने को चबाने लगी थी। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि उसके माँ बाप ने उसको ये भी नहीं सिखाया था कि किस तरह से खाना खाया जाता है। अब जीनी म्यूज़िक को भी अप्रिशिएट करने लगी थी, वो म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती थी। ये सारी चीज़ें शो कर रही थी कि जो जीनी है वो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और अगर उसको सही एनवायरनमेंट में पाला जाता तो वो बहुत ही अच्छी होनहार व्यक्ति निकलती। लेकिन वो इतने गंदे एनवायरनमेंट में रहकर आई थी कि उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। लेकिन अभी तक पूरा डैमेज हुआ नहीं था, अभी कुछ और डैमेज होना भी बाकी था। अब जो है, जो सूजन थी, जो कि मैंने आपको बताया कि रिसर्चर थी, एक प्रोफेसर थी, और वो जीनी की मदद के लिए आई थी, और वो अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। अब सूजन ने प्रूव कर दिया था कि जो लर्निंग होती है किसी भी चीज़ की, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, और स्पेशली जो लैंग्वेज होती है वो 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में बहुत अच्छी तरीके से सीखी जा सकती है, और अगर वो टाइम पास हो जाता है तो विंडो क्लोज हो जाती है, और उसके बाद उस लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सूजन को जीनी की प्रोग्रेस पर, उसकी लर्निंग पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता था, लेकिन अब इनके बीच में जो कनेक्शन था वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं था, क्योंकि सूजन हमेशा के लिए इसके साथ नहीं रह सकती थी। उसको कभी ना कभी इसके ऊपर रिसर्च करके और इसकी मदद कर कर वापस जाना ही था। ट्रेजिकली सिर्फ जीनी की फैमिली ही नहीं थी जिसने उसको फेल किया, बल्कि अब बिहाइंड द सीन्स ड्रामा भी शुरू हो चुका था, और ये ड्रामा था रिसर्च टीम्स के बीच में, जो कि अब जीनी के फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि जीनी के नाम पर अभी तक काफ़ी सारे फंड आते रहे थे। लेकिन फाइनली एक ऐसा भी दिन आया जबकि इन फंडिंग का कुआं भी सूख गया, यानी कि फंड्स आने बंद हो गए, और अब जीनी को फोर्स किया गया कि वो कैलिफोर्निया के फोस्टर केयर सिस्टम में जाकर रहे। जब जीनी को फर्स्ट फॉस्टर होम में भेजा गया तो वो एक बटलर नाम के व्यक्ति के घर भेजा गया, जो कि इसका काफ़ी ध्यान रख रहा था, और वहाँ पर जीनी का काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ। वो काफ़ी टॉकेटिव हो गई थी, अपना गुस्सा वगैरह दिखाया करती थी, शब्दों में दिखाया करती थी, सामान वगैरह फेंक कर पहले की तरह अपना गुस्सा अब नहीं दिखा रही थी। तो बटलर ने उसके साथ काफ़ी काम किया, लेकिन उसने एक काम गलत किया। वो कभी भी जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे, जो रिसर्चर्स थे, उनसे इसको मिलने नहीं देता था। उसको शायद ऐसा लगता था कि जो भी इम्प्रूवमेंट हो वो मैं ही करूँ, ताकि मैं एक दिन आगे जाकर फेमस हो जाऊँ कि मैंने इस लड़की को ठीक कर दिया। लेकिन इन सारी चीज़ों का अब जीनी पर उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा था, और उसकी एक तरह से प्रोग्रेस अब रुकने लगी थी। इसलिए अब उसको उस फॉस्टर होम से निकाल लिया गया और दूसरे फॉस्टर होम में शिफ्ट किया गया। अब जीनी को एक दूसरे फॉस्टर होम में भेजा गया, और जिस फॉस्टर होम में भेजा गया उन लोगों का नाम था डेविड और उसकी वाइफ। और ये जो डेविड था, ये जीनी का ही एक थेरेपिस्ट था, तो उसने कहा कि मैं इसको अपने घर में ही ले जाता हूँ, इसको फॉस्टर केयर दूंगा। जो डेविड की वाइफ थी वो एक सोशल वर्कर थी, और उसके पास डिग्री भी थी कि किस तरह से बच्चों को पाला जाता है, सिखाया जाता है, किस तरह से उनकी वोकेबलरी डेवलप की जाती है। इनके साथ जीनी करीब 4 साल तक रही, और यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ। उसने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट अप करना पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छे से सीख लिया था। अब वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगी थी, और यहाँ पर उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा इस घर का। अब वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताने लगी थी कि किस तरह से उसके फादर उसको पीटते थे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
कि उसने वहां पर किस तरह से सेंटेंसेस में छोटे छोटे सेंटेंस बोल के अपने पिता के बारे में बताया, उनकी बीटिंग्स के बारे में बताया, यानी कि उसको अपने बचपन की यादें अभी तक उसके दिमाग में ताजा थी, वो उन चीजों को भूली नहीं थी। जब जीनी ने ये सारी चीजें बताई तो अब इसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और आइरीन पर और इसके पिता क्लार्क दोनों पर ही ये चार्जेस लगाए गए कि इन्होंने चाइल्ड नेग्लेक्ट किया है। लेकिन फाइनली आइरीन को रिहा कर दिया गया क्योंकि ये पाया गया कि आइरीन पर भी जुल्म हो रहा था और वो खुद ही अब्यूज का शिकार थी और कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड भी हो रही थी, तो इस कारण भी उस पर अत्याचार किए जा रहे थे। उसे ज्यादा पता नहीं था जीनी के साथ क्या चल रहा है, इसलिए वो रिपोर्ट वगैरह नहीं कर पाई। जो क्लार्क था उस पर चाइल्ड अब्यूज के इल्जाम लगाए गए। लेकिन कोर्ट में अपनी अपीयरेंस से थोड़े ही दिन पहले इसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। 1975 में जीनी 18 साल की थी और अब वो डिफरेंट फॉस्टर केयर होम्स में रह रही थी और बीच बीच में उसकी माँ आइरीन भी उससे मिलने के लिए आया करती थी ताकि उसके साथ उसका बॉन्ड बना रह सके। फाइनली जो जीनी की मदर थी आइरीन, उसको इसकी कस्टडी मिल गई और इसने जीनी को अपने साथ रख लिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में आइरीन को लगने लगा कि इसकी देखभाल करना आसान नहीं है और मैं इसको नहीं पाल सकती। उसके बाद उसके डॉक्टर से पूछे बिना उसको डिफरेंट फॉस्टर होम्स में भेजा जाता रहा, जिसका इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खराब इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा जो इसकी माँ थी आइरीन, इसने सारे थेरेपिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स वगैरह के ऊपर एक लॉ सूट कर दिया, उनके ऊपर केस कर दिया कि जिस तरह के कंटेंट इसको दिए जाते रहे हैं जीनी को, या जिस तरह से इसका इलाज हुआ है वो ठीक नहीं था और इससे इसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई है। लेकिन ये लॉ सूट फाइनली ट्रायल में नहीं गया और इसको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद 1977 से लेकर अर्ली 90s तक जो जीनी थी वो डिफरेंट फॉस्टर होम्स में रही, वहाँ उसको एब्यूज किया जाता रहा और उसकी कंडीशन बद से बदतर होती चली गई। 1993 में उसको लॉस एंजलिस की किसी अनडिस्क्लोज, यानी कि जिसके बारे में बताया नहीं गया, ऐसी लोकेशन पर भेज दिया गया और वहाँ उसको छुपा कर रखा गया। जीनी की माँ की मौत 2003 में जब वो 87 साल की थी तब नेचुरल कारणों से हो गई। उसके भाई की मौत 2011 में हुई, लेकिन उसने अपनी मौत से पहले भी जीनी के बारे में कुछ भी पढ़ने से, कुछ भी देखने से मना कर दिया था। वो 40 सालों तक अपनी बहन से एक बार भी नहीं मिला और ना ही उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया अपनी बहन से मिलने में। जब जीनी लॉस एंजलिस की इस फैसिलिटी में थी तब उसकी माँ रेगुलर विजिट करती थी। इसके अलावा जो डेविड और उसकी वाइफ थे जिनके घर में वो 4 साल तक रही, वो भी उससे मिलने आते थे। छोटे मोटे कुछ कुछ आर्टिकल छपे जीनी के बारे में, कभी कभी मीडिया हाउस भी उससे मिलने के लिए गए, लेकिन बहुत ही कम। सूजन जो कि एक प्रोफेसर थी जिसने जीनी की पहले काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, उसने कई बार जीनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो सोशल वर्कर्स थे जो कि जीनी की देखभाल करते थे कि उसको कहाँ जाना है कहाँ रहना है, उन्होंने कभी भी सूजन को अलाउ नहीं किया। यहाँ तक कि सूजन को उन्होंने जीनी से एक शब्द भी बात करने कभी नहीं दी। यहाँ तक कि सूजन उसे लेटर्स नहीं भेज सकती थी, उसे बर्थडे कार्ड वगैरह कुछ भी उसे नहीं भेज सकती थी। सोशल वर्कर्स ने सिर्फ सूजन को ही नहीं बल्कि किसी भी उसके रिलेटिव को जीनी से कभी भी बात करने नहीं दी। उन्होंने किसी को अलाउ ही नहीं किया कि वो जीनी के कांटेक्ट में रहे। सूजन ने बताया कि उन्होंने लास्ट टाइम जब जीनी से बात की थी तो वो अर्ली 80s में था, यानी कि 1980 की मैं बात कर रही हूँ। 1980s में जब वो उस घर से निकली थी और जब उसका इलाज चल रहा था तभी सूजन ने लास्ट टाइम उससे बात की, और उसके बाद इतने सालों तक उसका कोई भी कॉन्टैक्ट जीनी से नहीं कराया गया। और धीरे धीरे इन इंस्टीट्यूशंस के साथ रहते रहते जीनी ने जितनी भी प्रोग्रेस की थी वो सारी की सारी फेड अवे होती गई, यानी कि वो सारी बर्बाद हो गई। धीरे धीरे उससे वो सारे वर्ड्स छिन गए जो उसने सीखे थे, वो सारी स्किल्स जितनी चीज़ें उसने सीखी थी वो सारी उससे दूर हो गई। कभी ना कभी उसको बहुत गर्व था कि उसने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन अब वो उनको भूल चुकी थी। अब उसका जो ब्रेन था वो दोबारा से रिवर्ट हो चुका था और अपने प्राइमल स्टेट में आ चुका था। अब उसके पास यादें थीं सिर्फ अपने 1.5 दशक लंबे अब्यूज की, इसके बाद फॉस्टर होम्स की, वहाँ की कठिन लाइफ की, इसके अलावा जो उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, उस समय की हार्श यादें भी अब उसके दिमाग पर रह गई थी। जीनी की 29th बर्थडे पर एक साइंटिस्ट उससे मिला जिसका नाम था जे शर्ली। उसने बताया कि जब से ये इन रिसर्चर्स के कांटेक्ट में है, सोशल वर्कर्स के साथ है, तब से जीनी ने अपनी सारी की सारी प्रोग्रेस ख़त्म कर दी है और कहीं ना कहीं अब जो जीनी है वो होपलेस हो चुकी है। अब वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाती। उसकी अपीयरेंस अब एक मेंटली सिक पेशेंट जैसी हो चुकी है। वो अपने लुक्स का कोई भी ध्यान नहीं रखती, यहाँ तक कि अब वो आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाती।
ऐसा लग रहा है कि जैसे इन कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूशंस ने ना सिर्फ उसकी प्रोग्रेस को रोक दिया, बल्कि ऐसा लगता है कि एक्टिवली ही उसको उन्होंने गड्ढे में धक्का दे दिया है। जिस किसी ने भी पहले उसकी प्रोग्रेस होते हुए देखी थी, वो देखकर आश्चर्यचकित है कि अब इस लड़की को क्या हो गया। यानी कि फॉस्टर केयर में और जितने भी गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और ध्यान रखने की शायद कोशिश भी नहीं की। सूजन आज भी जीनी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि मैं चाहे उसके टच में आज नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं ना तो उसे विजिट कर सकती हूँ और ना ही उसे कोई चिट्ठी या कोई भी कांटेक्ट उससे कर सकती हूँ। वो कहती हैं कि मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तरसती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में और मेरी आत्मा में एक छेद हो गया है। इतना ज़्यादा मेरे अंदर दुख है कि वो जो छेद है, वो जो जगह है, वो कभी भी नहीं भर सकती। ये फीलिंग कि मैं उससे अब कभी भी नहीं मिल सकती, ये फीलिंग कभी भी मुझसे दूर नहीं जाती। इस समय जीनी वाइली कहाँ पर है, ये बात छुपा कर रखी गई है, ये किसी को भी नहीं पता। अभी भी ये माना जाता है कि अभी भी वो केयर में है स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया की, जो एक बहुत ही मजाक की बात है, एक हास्यास्पद बात है। ये कैसी केयर है जहाँ पर उसकी कोई भी केयर नहीं की जा रही, बल्कि उसकी स्थिति और ज़रा खराब होती जा रही है। उसको पता नहीं कहाँ लॉक एंड की में रखा गया है, और ऐसा लगता है कि अब शायद उसकी मौत की खबर ही आएगी। इससे पहले कैलिफोर्निया स्टेट ये नहीं बताएगी कि जीनी कहाँ पर है। आज ये स्टोरी यहीं तक। मुझे ये केस बहुत ही बिजार लगा, बहुत अजीब लगा और बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये केस शेयर किया। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।